Good morning, good afternoon. This is Evangelist George Garcia calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation December 8th. You should have the time there. It's sponsored by Candlelight Christian Fellowship, and the Evangelist Pastor Chief Author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick, and I'm going to pray over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus' name. Amen. यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज देखने वालों पर खुदाम की सलामती हो। क्या फरिश्ते खाना खाते हैं? बाइबल फरिश्तों के खाने के बारे में क्या बताती है? क्या हम जन्नत में खाना खाएंगे? बाइबल में से हम देखते हैं जबूर 78 उसकी 23वीं और 24वीं आयत में क्या लिखा है। तो उसने अफलाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की गजा खाई। बाइबल बताती है कि मन सिर्फ इसराइलियों को ही नहीं दिया गया था, मन फरिश्तों की रोटी थी। इसका मतलब है फरिश्ते खाना खाते हैं। इसके लिए हम देखते हैं मकाशवा 22 बाब और उसकी दूसरी आयत। और दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। जब खुदावन ने आसमान से मन बरसाया तो इसराइली, जो ना जानते थे कि ये क्या चीज है, आपस में कहने लगे कि ये तो मन है। मन का मतलब इब्रानी ज़बान में है, ये क्या है? तब मूसा ने कहा, ये वही रोटी है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। यूहन्ना 31वां बाब और उसकी 6 आयत में इस तरह से मरकूम है, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। इब्रानी जबान में रोटी के लिए लफ्ज लहम का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है ब्रेड यानी रोटी। यीशु मसीह ने मूसा के लफ्जों की तस्दीक की कि वो मन ब्रेड थी यानी रोटी थी। वो जन्नती मन रोटी की तरह का था, पर वो इस जमीन की रोटी की तरह ना था। इसीलिए इसराइलियों ने जब उसे देखा तो उसे रोटी नहीं कहा, क्योंकि वो जायके में इस जमीन की रोटी से कहीं ज्यादा मजेदार था। हम देखते हैं खुरूज की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 31वीं आयत में, और बनी इसराइल ने उसका नाम मन रखा, और वह धनिये के बीज की तरह सफेद और उसका मजा शहद के बने हुए पुए की तरह था। फिर इसी तरह से हम देखते हैं मुकाशवा 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं। जन्नत में खजूर के पेड़ हैं, रोटी के खेत हैं। क्या फरिश्ते खाना खाते हैं? हाँ, जबूर 78 ये बताता है कि फरिश्ते खाना खाते हैं। उनका खाना इंसानों के खाने से अलग हो सकता है, पर वो खाना खाते हैं। पहला सलातीन उसके 19वें बाब में, जब एलिया एजबेल से बचने के लिए भागा तो 4 आयत में लिखा है, और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। उसने निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया, और खुदावन का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा, कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया, और उस खाने की कुवत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हूरब तक गया। एलिया ने ऐसा क्या खाया कि उसने इतनी कुवत पा ली कि 40 दिन 40 रात बिना कुछ खाए पिए चलता हुआ खुदा के पहाड़ हूरब तक पहुंच गया। जो रोटी और पानी एलिया ने खाया और पिया वो कोई आम खाना नहीं था, वो फिरदौस से आया था। फरिश्ते ने उस खाने को पकाया था और एलिया को खाने को दिया, जिससे उसे इतनी कुवत पाई। जन्नत कोई ऐसी जगह नहीं कि आपको एक सफ़ेद लबास और एक साज दे दिया जाएगा कि यहाँ बैठ जाओ और हमेशा के लिए बजाते जाओ और खुदा की परस्तिश करते जाओ। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा
के फिरदौस में आसमान में बहुत से काम होते हुए नज़र आते हैं। कोई भी खाली नहीं बैठा, हर एक का कोई ना कोई काम है। पैदाइश दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत में हम देखते हैं, और खुदावन खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि वे उसकी बागबानी और निगहबानी करें। काम करना अदन के बाग का हिस्सा था, ये इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। खुदा बाप खुद काम करता है। खुदा ने इस दुनिया को बनाने के बाद आराम नहीं किया, ना ही कि वो रिटायर हो गया है। यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यीशु मसीह को काम करने से सुकून मिलता था। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 4था बाब और उसकी 34वीं आयत में, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ और उसका काम पूरा करूँ। खुदा काम करता है और हम जो उसकी शबी पर बनाए गए हैं, हमें भी खुदा ने काम करने के लिए ही बनाया है। बाइबल में ऐसी कई जगहों पर फरिश्तों ने लोगों को आसमानी खाना मुहैया किया। मत्ती रसूल की किताब उसके 4थे बाब में लिखा है कि जब रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से आजमाया जाए, तो हम देखते हैं कि उसकी दूसरी आयत में क्या मरकूम है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यीशु मसीह की आजमाइश के बाद फरिश्तों ने जंगल में यीशु मसीह को आसमानी खाना खिलाया। इस जमीन पर हम खाना खाते हैं ताकि हमारे जिस्म में कुव्वत हो और हम तंदुरुस्त रहें, पर फरिश्ते तो रूहें स्पिरिट्स हैं, फिर फरिश्तों को खाने की क्या ज़रूरत है? जब हम जन्नत में जाएंगे तो हमें खाने की क्या ज़रूरत होगी? बाइबल बताती है कि खुदावन के फरिश्तों को हर एक बात की समझ नहीं दी गई। इसके लिए हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 1 बाब और उसकी 12वीं आयत। उन पर ये जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर आप तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूह कुद्स के वसीला से जो आसमान पर भेजा गया तुमको खुशखबरी दी, और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नज़र करने के मुश्ताक हैं। जैसा कि हमने देखा इस आयत में लिखा है कि फरिश्ते खुदा बाप के कलाम को और उसकी गहराई को जानने के मुश्ताक हैं। फरिश्तगान रूहें हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत नहीं। जो खाना वो खाते हैं वो उनको समझ और ज्ञान और खुदावन की पहचान में बढ़ाता है। लिहाजा साबित हुआ कि फरिश्ते खाना खाते हैं और हम भी आसमानी खाना खाएंगे, यीशु मसीह की मेज से खाएंगे, और ये तभी होगा जब हम जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में जाने का रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। खुदावंद आपको बरकत दे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दिस इज एवेंजेलिस्ट जॉर्ज गार्सिया कॉलिंग यू फ्रॉम कोलंबिया, साउथ अमेरिका। आई एम हियर ऑन अ मिशन ट्रिप, बट आई वांट टू इनवाइट यू टू अ ज़ूम प्रेजेंटेशन डिसेंबर 8th। You should have the time there. It's sponsored by Christian Candlelight Christian Fellowship, and the evangelist pastor chief author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick, and I'm going to pray over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus' name. Amen.